सरदार वल्लभ भाई पटेल की हार्दिक इच्छा थी कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक एकता बनी रहे। बड़ी अदब से कहता कि हमारा जितना हिंदुस्तान है, ऐसी फीसदी हिंदुस्तान हमारे पास पड़ा है, उसको हम एक बनाओ। हमें हिंदुस्तान क्यों घुमाया था परदेशियों के पास? हमारा मुल्क क्यों चला गया? हमारी बेवकूफी से गया था। ऐसी बेवकूफी अब न हो फिर, वो हमें संभालना है। तो हमारे कई नौजवान जो काम कर रहे हैं उसमें मैं बेवकूफी देता हूँ। तो हमें हिंदुस्तान बाकी रहा, इसको एक गठड़ी में बांधना हो, एकत्र करना हो, उसको संगठित करना हो, तो जितना अलग अलग गिरोह बनती है उसको एक कर। अलग अलग संप्रदाय का काम नहीं है, और जितनी रियासत है उसको भी हम एक करने देना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है रही कि अब पाकिस्तान बनने वाला था, बन गया, हमने बनाया, बनने दिया, तो हमें उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बाकी का हमें ठीक करना चाहिए। तो पाकिस्तान से दूसरा टुकड़ा होने वाला था जो उससे भी बुरा था, वो राजस्थान था। उसमें गड़बड़ चल रही थी, बहुत से टुकड़े पड़ जाने वाले थे, लेकिन मुझे आप लोग के सामने कहने में बहुत खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान में जो राजा थे वो लोग में बहुत समझदार लोग थे, उनमें देश के लिए प्रेम पड़ा है। आप ये न समझे, जैसे रियासत में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि राजा लोग ये बड़े स्वार्थी लोग है, घमंडी लोग है, उनके पास मद है, धन का, सत्ता का मद है, वो उनमें कोई स्वदेश प्रेम नहीं है, देश की भक्ति नहीं है। मैंने बहुत राजाओं के साथ बातों की और हमारी और उनकी बीच में जो पर्दा था वो टूट गया, तो राजा लोग समझ गए। इस तरह से जो आप लोगों के दिल में शंका थी वो तो निकल गई, तो हमारा हिंदुस्तान एक रहा। अब क्या करें? अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अबे हम हिंदुस्तान को उठाना है। गिरा हुआ हिंदुस्तान 200 साल से पड़ा हुआ, उसके पहले भी गिरा था, उस हिंदुस्तान को हमें उठाना है। तो उठाना हो तो उसमें हमें समझ से काम लेना पड़ेगा कि क्या चीज चाहिए। एक तो हमारे पास मजबूत फौज चाहिए, आर्मी मजबूत हमारा चाहिए, कमजोर आदमी आर्मी नहीं चाहिए। तो हमारा एक आर्मी मजबूत चाहिए, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत चाहिए। और आर्मी में तीन शाखा है, हवाई जहाज और हवाई फौज और जो समुद्र की फौज, वो सब चीज हमें चाहिए। क्योंकि यदि हमारा और पाकिस्तान का जिस तरह से काम चलता है, इस तरह से चलता रहा, तो कभी न कभी खतरा है। वो बात छुपाना वो बेवकूफों का काम है, मैं नहीं छुपा सकता।